स्टडी आईक्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी में मैं हूं आपका दोस्त राहुल दोस्तों आज हम लोग एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ डिस्कशन करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनफैक्ट हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में आप यहां पे देख सकते हो इंडिया हैज सप्लाइड दी क्रायोलाइंस फॉर द आईटीईआर प्रोजेक्ट तो हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं आईटीईआर प्रोजेक्ट के बारे में ये आईटीआर प्रोजेक्ट है क्या आप जानते हैं कि इट इज वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट जहां पे 30 से भी ज्यादा देश साथ में आए हैं टू डेमोन्स्ट्रेट थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सस्टेनेबिलिटी तो इसके लिए एक रिएक्टर बिल्ड हो रहा है और इस रिएक्टर के लिए इंडिया ने क्रायोलाइंस को सप्लाई किया है यह अनाउंस किया गया रिसेंटली बाई द अटोमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन तो इस पर्टिकुलर खबर को समझते हैं आई टी आर को समझते हैं इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन को समझते हैं और थोड़ा सा इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली है इनफैक्ट चर्चा शुरू करते एक सवाल के साथ

तो इनमें से आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे आपके ऑप्शन है थोड़ा सा समय लीजिएगा एंड डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की हुई है ये यही टेक्निक होती है एमसी क्यू सॉल्व करने की भी आपको समझना है कि, कि किसी भी सवाल में किसी भी स्टेटमेंट में वॉट इज द की वर्ड उसकी वर्ड को आइडेंटिफाई करना है आपको ये समझना है कि क्या ये सही है क्या ये गलत है राइट right? थर्टी फाइव कंट्रीज है या नहीं रिएक्शन सस्टेनेबिलिटी भी ही हम लोग एक यहाँ पे एनसर्कल कर सकते हैं इसके अलावा लोकेशन इसके अलावा टेक्नोलॉजी तो आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा डू लेट मी नो हाउ डिड यू फेयर इन द कमेंट सेक्शन इस सवाल का जवाब आपको इंट्रैक्शन के दौरान ही पता चलेगा कि क्या है किस तरह की टेक्नोलॉजी एटसेट्रा एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन एटसेट्रा चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं देर इज अ गुड न्यूज यू आर एक्चुअली लकी क्यों? क्योंकि बैच सिक्स की एडमिशन की डेट एक्सटेंड हो चुकी है दी एडमिशन डेट बीन एक्सटेंडेड टिल सिक्स अक्टूबर तो ये आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर 2023 थ्रू कोर्स आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच लाइव जो कोर्स है इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीसी सिविल सर्विसेज नीड मैंने आपको बताया कि दिस इज दी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड दी मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा एटीन में लेकिन आपको एक काम करना है जब भी आप चेकआउट करोगे तो आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव कंपनी का प्राइस इतना है लेकिन आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव तो प्राइस आपको एटीन नाइन 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 में मिल जाएगा और ध्यान रखना है क्योंकि इन आखिरी छह दिनों में आपके लिए इस पर्टिकुलर कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाई गई है चौबीस महीनों के लिए सो इफ यिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल अगर आप प्लान कर रहे हैं दो के लिए भी तब भी ये बहुत ही बहुत ही आपके लिए फायदेमंद और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रहेगा डू एनरोल फॉर इट

मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा और ये अनस्टेबल बन जाएगा अब अनस्टेबल बनेगा इससे दो छोटे न्यूक्लियर निकलेंगे बेरियम और क्रिप्टॉन और बाकी जो मास रहेगा, मास रहेगा डिफेक्ट वो एनर्जी के तौर पे आ जाएगा फ्यूजन फ्यूजन का मतलब है बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर आप एनर्जी बना रहे हो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो फिर एनर्जी आ रही है ठीक है फ्यूजन क्या होता है फ्यूजन इज दी ऑपोजिट जहां पर छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और उसमें भी

पावर प्लांट जो हम लोग बात करते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं दे ऑल वर्क ऑन फिजन रिएक्शन फिजन मतलब बड़े को ब्रेक करके जैसे यूरेनियम यूरेनियम हो गया यूरेनियम फ्यूल है पे हम लोग थोरियम की भी बात करते हैं हमारा थ्री स्टेज प्लानिंग है यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम हम लोग यूज करने की बातें करते हैं हर जगह फ्यूजन की बात करते हैं लेकिन फ्यूजन क्या है फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियर कंबाइन हो जाते हैं एक हेवियर न्यूक्लियस बनता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है राइट तो

कि कहां पे होता है फ्यूज तो मैंने देखा फ्यजन हमारे सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूजन ही तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट फ्यूजन कहां होता है फ्यूजन यू कैन सी इन सन राइट फ्यूजन आपको सन में मिलता है सन में जो एनर्जी आती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही होता है और यहां पे इट इज अ सस्टेनेबल रिएक्शन दैट इज वाई वी से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन थर्मोन्यूक्लियर मतलब हीट की वजह से कंटिन्यूअसली रिएक्शन सस्टेन होता जाता है राइट right? यहां पे क्या होता है छोटे छोटे जो एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन कंबाइन हुआ एक ड्यूटीरियम बना और ये ड्यूटीरियम फिर से रिएक्शन में चला गया फिर हीलियम 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 बना फिर से ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, फिर से से ब्रेक ब्रेक होगा आपको हाइड्रोजन एटम मिलेगा यही आपको साइकिल में चलता हुआ जाता है एक समय आएगा जहां पे इवेंचुअली हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा उसी को कहते हैं स्टार की डेथ होना राइट जब उसके उसका फ्यूल खत्म हो गया बेसिकली हाइड्रोजन खत्म हो गया लेकिन अभी फिलहाल तो सन का खत्म नहीं हो रहा है तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन आपको कहां मिलता है सन में मिलता है ठीक है अब यही चीज हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं अर्थ पे इसीलिए फ्यूजन रिएक्शन के साथ दिक्कत क्या होती है अब तक आप समझ गए होंगे कि यार इसका टेम्परेचर इमेजिन कीजिए सन का टेम्परेचर सन का आउटर टेम्परेचर क्या होगा अप्रोक्सीमेटली जो आउटर करोना टेम्परेचर वुड बी आई वुड से 6000 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली आप इनर कोर में चले जाओगे अर्थ के तो यहां पे तो यार अनइमेजिनेबल आई वुड से चर छह हजार डिग्री सेल्सियस सो हाई टेम्परेचर है इसको सस्टेन करना है तो हम लोग एक मुहिम में लगे विश्व में हम लोगों ने देखा कि यार फ्यूजन रिएक्शन तो हम लोगों ने कर लिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना लिए तो फ्यूजन रिएक्शन चलिए अर्थ पे बनाते हैं इसके लिए साइंटिस्ट इस काम में लग गए नाइनटीन थर्टीज से ही लग गए इनफैक्ट पहली बार इसको सस्टेन करना मुश्किल होता है तो पहली बार रिएक्शन भी देख लिया फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है लेकिन उसको कंट्रोल करना है तो नाइनटीन के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चले और आप जानते हैं कि 1945 के बाद कोल्ड वॉर चल रहा था कोल्ड वॉर में यूएसए USS और यूएसएसआर की रेस चल रही थी रेस हर चीज में आर्म्स सर डायमिशन बनाने हैं स्पेस के लिए रेस बन गई तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए भी एक रेस शुरू हो गई और इस रेस में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं यूएसएसआर थोड़ा सा आगे चला क्योंकि 1968 में सोविएट्स ने सोवियत के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जिसका उन्होंने नाम दिया टोकामक अब ये टोकामक है ये एक्रोनम है रशियन टर्म है एक टंग ट्विस्टर यार आप यार देख सकते हो तोराइडालिएनिया कैमरास मैग्नेटीमी कातुष्कामी ये नाम है राइट <laughs> टोकामक ये क्या है बेसिकली इज अ डिवाइस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जिससे कि आप जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसको एक एरिया में कन्फाइन करोगे क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है हम क्वाइट श्योर कि आपने देखा होगा यार जब भी मैं फ्यूजन की बात करता हूं मैं एक मूवी का एग्जाम्पल देता हूं आपने वो स्पाइडरमैन वाली मूवी देखी है नॉट द न्यू वंस जो टोबी मेगवायर वाली पुरानी वाली सेकेंड पार्ट स्पाइडरमैन में जहां पे जो विलन होता है विलन इज अट ऑटो ऑक्टेवियस राइट जहां पे वो ट्राई करता रहता है फ्यूजन रिएक्शन ही उसको सस्टेन करने के लिए उसीलिए उसने वो जो ऑक्टोपस वाली चीजें होती है जो जो एक्स्ट्रा हैंड्स होते हैं उसको वो बनाने की कोशिश करता है क्या होता है एक्सपेरिमेंट फेल होता है क्यों क्योंकि अगर अर्थ पे हम लोग फ्यूजन रिएक्शन ट्राई करेंगे और फ्यूजन रिएक्शन अनसस्टेनेबल हो जाएगा तो अगर अनसस्टेनेबल हो जाएगा सब कुछ खींच लेगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में सब कुछ खींच लेगा और हम लोग भी खत्म हो सकते हैं दैट इज वाई वी नीड टू कन्फाइन इट जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उस रीजन को हमें कन्फाइन करना है अब इसको कन्फाइन कैसे करेंगे देखिए जब हाइड्रोजन ड्यूटीरियम हो टीटीएम हो जब ये मिल रहे हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर बनेगा और एक प्लाज्मा बनेगा ये जो प्लाज्मा है इसको स्प्रेड होने नहीं देना है स्प्रेड नहीं होने देना है इसी को टोकामाक डिवाइस कहते हैं राइट तो टोकामाक डिवाइस बेसिकली क्या है अभी तक का सो so, सबसे मैं कहूंगा एक बेटर सोल्यूशन है ऑल इसके ऊपर कई सारी कोशिश की गई है बट इज वन काइंड ऑफ अ मशीन हैज हैज बीन शोन ग्रेट प्रोग्रेस देखिए ये है टोकामाक क्या होता है बहुत बड़े बड़े मैग्नेटिक कॉइल्स लगा जाते हैं जिससे कि एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह बने हो डोनट की तरह तो क्या है टोका एक डिवाइस है पावरफुल मैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो प्लाज्मा को कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं इन अ डोनट शेप और अभी तक का जो मिला है डोनट शेप या फिर टोरस शेप हम लोग कहते हैं जो टोरस शेप है इसमें कन्फाइन किया तो रिएक्शन शायद सस्टेन हो सकता है अगेन काफी सेफ गार्ड्स रख के कर रहे हैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जैसे कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू टू तो प्रोड्यूस 50 वॉट 50 वॉट 100 वॉट लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एक सोल्यूशन की जहां पे इमेजिन अनदर सन ऑन अर्थ जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जितनी चाहिए उतनी एनर्जी जितना चाहिए उतना हीट जितना चाहिए उतना लाइट हम लोग उससे निकाल सकते हैं उससे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोगों ने कंट्रोल करना सीख लिया देन दिस वुड बिकम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अब ult, हम, हम सभी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सन पूरी लाइफ किसके लिए चल रही सन की वजह से चल रही तो अगर हम लोग एक मिनी सन अर्थ पे बना लेंगे इमेजिन दै दैट इज गोइंग टू गिव सॉल्यूशंस टू ऑल आर एनर्जी प्रॉब्लम्स तो इसी के लिए ये टोकामक डिवाइस है जिसके जिसके अंदर प्लाज्मा को कंट्रोल करना है राइट अब बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा तो इसीलिए क्या किया गया आई की शुरुआत की गई आई में पैंतीस कंट्रीज मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाएंगे और ध्यान रखिएगा ये रिएक्टर बन रहा है फ्रांस में ओके द रिएक्टर इज बीइंग बिल्ट इन फ्रांस यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज साथ में आई इसके अभी भी ध्यान रखिएगा अभी भी टेस्टिंग चल रही है इनफैक्ट इट इज नॉट इवन नॉट इवन बिन टू हंड्रेड परसेंट इसके अभी भी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है इट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन फेज तो क्या हुआ देश साथ में आए पैंतीस कंट्रीज साथ में आए आई टी आर बनाएंगे इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्यूजन डिवाइस और ये भी जो डिवाइस है मैं कहूंगा इट इज ऑल्सो अ लिमिटेड पावर जनरेटिंग डिवाइस ये लोग बनाना चाहते हैं जहां पर सस्टेनेबली सस्टेनेबली 500 हंड्रेड मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने का इनका प्लान है इसी में ऑलरेडी मशक्कत लगी हुई है पैंतीस कंट्रीज की ऑल्डो इसके अंदर कोर सेवन कंट्रीज इसमें इंडिया भी है थर्टी फाइव कंट्रीज यहाँ पे कोलाबरेट कर रही है मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और इंडिया की तरफ से अप्रोक्सीमेटली कहूंगा मैंने कहा कि इंडिया ने क्रायोलाइन सप्लाई किया है क्रायोलाइंस के अलावा कैश भी सप्लाई किया इन द सेंस फाइनेंशियल एड भी यहाँ पे दिए अप्रोक्सीमेटली टिल नाउ इन मेनी ईयर्स The pledged amount is somewhere around twenty thousand crore, right? Almost two billion dollars से थोड़ा सा ज्यादा रकम for R and D. अब इसमें खबर हमारी आई क्या खबर यह आई है कि इंडिया भी यहाँ पर पार्टनर है We do know that India is a partner in the ITER. आई डेवलपमेंट हो रही है फ्रांस में इंडिया की तरफ से कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है गांधीनगर वाला हॉट प्लाज्मा प्रोजेक्ट है सहाय इंस्टीट्यूट का कोलकाता में ये ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहे हैं अपनी इनपुट्स दे रहे हैं वहाँ से रिसर्च मटेरियल भी ले रहे हैं स्टडी के लिए और हाल ही में अनाउंस ये किया गया कि इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग विद द फैब्रिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इनफैक्ट कई सालों से ये है इंडिया को फैब्रिक फैबरिक, फैब्रिक फैब्रिकेशन का स्पेशली क्रायोलेंस की फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट मिला 2017 में तब से काम ऑलरेडी चल रहा है और इंडिया ने फाइनली सप्लाई किया है क्रायोलाइंस ये अनाउंस किया आई आईटीआर के जो चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने अनाउंस किया और दैट इज अ वेरी गुड न्यूज ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया कि इंडिया ने सप्लाई किया है क्रायोलाइंस अब सवाल उठता है ये क्रायोलाइंस क्या है और क्या हम लोगों ने सप्लाई किया देखिए समझते हैं इंडिया ने सप्लाई किया है कुछ पाइप बेसिकली पाइपलाइन कितनी चार किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है नॉट अ स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन है जहां पे इसको क्रायोलाइन कहा हैं क्रायोलाइन क्यों क्योंकि ये बेसिकली मदद करेगा टेम्परेचर लोअर करने में आप जानते हैं कि टोकामाक जहां पे है टोकामाग में प्लाज्मा रिएक्शन चल रहा है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है टेम्परेचर इमेंस इमेंस बढ़ेगा टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा बेसिकली रेफ्रिजरेशन चाहिए होगी यानी कि चीजों को ठंडा रखना है अब ठंडा रखने के लिए आपको रेफ्रिजरेंट मूव करना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट मूव करना पड़ेगा टोमक के अराउंड ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए अब उसके लिए लाइन्स चाहिए दोज लाइन्स आर सप्लाइड बाई इंडिया क्यों क्योंकि टेम्परेचर हमें मेनटेन करना है क्योंकि अब टोकामक को बिल्ड करने के लिए या फिर टोकमक को जनरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए स्ट्रांग मैग्नेट्स

अपने जीएसएलयू में थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक स्टेज जहां पे हम लोग लो, लो टेम्परेचर पे फ्यूल को बर्न करते हैं या कि लो टेम्परेचर फ्यूल को स्टोर करते हैं बेसिकली इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं मटेरियल साइंस आपका बैकग्राउंड है तो आपने ज़रूर सुना होगा क्रायोजेनिक टेम्परिंग क्रायोजेनिक एनीलिंग बहुत कम टेम्परेचर पे मटेरियल्स को ट्रीट करना मटेरियल्स को कैसे हैंडल करना क्रायोजेनिक इन सभी चीज़ों से काम कर, इन सभी चीज़ों पे काम करते हैं जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड हीलियम दैट इज द मेन डोमेन ऑफ

डिवाइस तो में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसे मुझे कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहना पड़ेगा उसके लिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की जरूरत पड़ेगी उन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को मुझे बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ेगा इसीलिए हम लोगों ने क्रायोलाइंस को सप्लाई किया इमेजिन दिस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स एंड द क्रायोपम्प कितने टेम्परेचर पे काम करेंगे

गुजरात में वडोदरा में ये प्लांट था आईनोक्स सीवीए का कई सालों से इसके ऊपर काम चलिए आप देख सकते हो जो इसका डायमीटर है कुछ छोटे डायमीटर के पाइप्स आपको मिलेंगे कुछ बड़े डायमीटर के पाइप मिलेंगे कुछ कुछ पाइप तो है जहां पे एक, -एक मीटर डायमीटर के भी पाइप्स है वहां पे अब दिस इज दोका मार्क अब यहां पे है टोकामाक इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हो जो पाइपिंग दिख रही है पाइपलाइंस दिख रही है आपको इससे कंटिन्यूअसली जो आपका रेफ्रिजरेंट रहेगा जो भी रहेगा हीलियम ही पे लिक्विड हीलियम वो मूव होता रहेगा अब इतनी दूर से आना है क्रायोप्लांट क्रायोप्लांट यहां पे है यहां से लिक्विड हीलियम आपका मूवमेंट होना है और इस पूरे टोकामक को कूल मेंटेन करना है क्योंकि सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स चल रहे हैं ये पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है इसमें इंडिया का मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन रहा जस्ट ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस और इस पाइपलाइन से क्या गुजरेगा इस पाइपलाइन से गुजरेगा 25 टन लिक्विड हीलियम ही मूवमेंट में रहेगा हीट ट्रांसफर करना है ठंडा टेम्परेचर है जो गैस गर्म हो जाएगा फिर से कूल cool करके सेम द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन वर्क्स आपका जो घर पे रेफ्रिजरेटर है उसी का कॉन्सेप्ट लेकिन इज वेरी वेरी लो यू हैव टू रीच बेसिकली टू माइनस टू सिक्सटी नाइन डिग्री सेल्सियस अब इस पाइपलाइन को सप्लाई करने में क्या मुझे आसानी हुई अब जो जैसे मुझे पाइपलाइन बनानी है आपने देखा होगा कि आपके रेफ्रिजरेटर में कभी कभार कॉपर की पाइपलाइन लगी होती है दी कंडेंसर इज देयर कॉपर पाइपलाइन एल्युमिनियम पाइपलाइन आपने देखा होगा अगर नहीं देखा है आजकल के जो नए फ्रिज है उसके तो पीछे वाला भी कंप्लीटली पैक होता है लेकिन अगर आपके पास एक पुराना वाला फ्रिज है तो उसके पीछे आपने देखा होगा एक रेडिएटर की चीज़ बनी हुई है जहाँ पे पाइपलाइन आपको देख सकते हो उसमें से रेफ्रिजरेंट मूव होता है राइट अब इतने छोटे से पाइप होते हैं यहाँ पर इमेजिन कीजिएगा वॉट वुड बी दी टेक्निकल चैलेंजेस कितनी चैलेंजेस सबसे पहले तो चार से पाँच किलोमीटर के आसपास क्रायोलाइंस आपको बनाना है और स्ट्रेट लाइन में नहीं है जस्ट लुक एट दिस जस्ट लुक एट दिस लुक एट दिस डिजाइन दिस इज द क्रायो प्लांट दिस इज द टोका मार्ग और ये अप्रोक्सिमेटली हम लोग चार से पांच किलोमीटर की पाइपलाइन सप्लाई कर चुके हैं जो कोल्ड टेम्परेचर को सस्टेन कर सके अब यहां पे इनको चैलेंजेस क्या आई सबसे पहले एंगल्स और बेंड्स आपको अलग अलग लगाने उसका मेटेरियल आपको देखना है इसके अलावा सबसे बड़ी चीज थी टेक्निकल डिफिकल्टीज ही कहा जाता है टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या अगर इतने कम टेम्परेचर पे मैं लिक्विड हीलियम को मूव कर रहा हूँ पच्चीस लिक्विड मूव हो रहा है मतलब यार अगर आप ठंडा कर दोगे जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में अगर लिक्विड नाइट्रोजन या फिर बहुत ठंड वाला टेम्परेचर है तो हाथ जम गया तो ऐसे उंगली आप एक करोगे तो उंगली भी टूट जाती है यानी कि ब्रिटलनेस बढ़ जाती है एट कोल्ड टेम्परेचर ब्रिटलनेस इंक्रीजेस तो उस मटेरियल की ब्रिटलनेस को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कोल्ड टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा इनफैक्ट पाइपलाइन श्रिंक हो जाती है ये कहा जाता है कि अगर एक मीटर की पाइपलाइन है तो वो वन थर्ड श्रिंक हो जाती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कूलेंट हीलियम तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मटेरियल सिलेक्शन भी किया जिसमें इन्होंने स्पेशल ग्रेड ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील लिया जिसमें लो कार्बन है और हाई निकल और क्रोमियम है जो इन टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है अब इसके अलावा पाइपलाइन तो आपने बना दी एंगल बेंड आपने लगा दिए लेकिन हीट ट्रांसफर को भी आपको केटर इन करना है यानी कि जो पाइपलाइन बनी है इस पाइपलाइन के ऊपर आप देख सकते हो इस पाइपलाइन के ऊपर भी आपकी कोटिंग लगी हुई है ताकि ये और भी एफिशिएंट बने ये किस तरह की कोटिंग ग्लास फाइबर एल्यूमिनाइज माइलर इंसुलेशन इसके ऊपर लगाई गई है तो काफी टेक्निकल प्रोजेक्ट था जिसको इंडिया ने अभी अचीव कर लिया और हमारी तरफ से हम लोगों ने इसको सबमिट कर दिया है वी हैव गिवन इट टू टी आर फ्रांस और आगे चल के जल्दी हम लोग एक्सपेरिमेंट देख सके 2025 तक इसकी टेस्टिंग चलने वाली है सो इंडिया हैज अचीव्ड अ बिग बिग थिंग सो लेट अस अप्रिशिएट दैट इनफैक्ट आई होप कि आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा जो दूसरा स्टेटमेंट था जेनेवा स्विट्जरलैंड दैट वॉज रॉन्ग वन एंड थ्री वर करेक्ट टोका मैंने आपको बता दिया आई के बारे में आपको बता दिया इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि अगर अगर आप और भी इंटरेस्टेड हैं तो डू गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट आई टी आर पे चले जाइए यहाँ पे आपको

तो इमेजिन कीजिएगा कि हमारी सारी एनर्जी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। इफ वी आर एबल टू सस्टेनेबली मेंटेन दी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व फॉर राइट सो हमारा खुद का एक छोटा सा सन रहेगा अभी इंडिया के लिए एक छोटा सा सन जहाँ से हम लोग लाइट हीट एटसेट्रा एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस वुड बी रिजॉल्व फॉर श्योर सो दैट वुड बी द बिगेस्ट एडवांटेज सो डू नॉट हैव अ नेगेटिव माइंडसेट और स्केप्टिकल माइंडसेट आर एंड डी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जिसमें इंडिया अपना योगदान कर रहा है काफी अच्छा योगदान क्यों अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी इफ दर इज एनी डेवलपमेंट विल डिस्कस एट अगेन ऑन स्टडी आई क्यू फॉर श्योर दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल